Welcome all, I am Anshu Agrawal. Today I am here with the topic Kheda Satyagraha of 1918. Okay, so we will discuss it in bullets. This Satyagraha was done in 1918. The first point is this Satyagraha was organized by Mahatma Gandhi in Kheda district of Gujarat during British period. Okay, so basically this Satyagraha was third in number after Champaran Satyagraha and Ahmedabad Mill Strike. This was considered as a major movement to get independence. Okay, so basically these Satyagraha and movements were done for getting independence. Third point is the important names participated in this Kheda Satyagraha are Mohandas Karamchand Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Indulal Yagnik, Sankarlal Banker, Mahadev Desai, Narhari Parekh, Mohanlal Pandya, Ravi Shankar Vyas. So these all names participated in this Satyagraha and fight against high taxes levied by British government on peasants. Okay, so it was done after Champaran Satyagraha and Ahmedabad Mill Strike. Agar question aisa aata hai ki Kheda Satyagraha का कोई एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है कि आप लगाइए उसमें, तो यू हैव टू प्लेस इट ऑन थर्ड नंबर बिकॉज इट वाज थर्ड इन नंबर. फर्स्ट वाज चंपारण सत्याग्रह. महात्मा गांधी स्टार्टेड यू नो द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट विद चंपारण सत्याग्रह. उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आई, उसके बाद फिर आपका खेदा सत्याग्रह 1918. This was organized to help peasants to fight against high taxes levied by British government in case of crop failure and epidemics. Hota kya tha ki British government, you know, imposed high taxes if the crop of the farmers, you know, got failed. Agar wo failed ho gayi, crop failure hua, koi fail, you know, koi production nahi hua, and epidemics, bimariyan hui. कोई महामारी फैली खेतों में, ठीक है, उस वजह से अगर किसान जो है आउटपुट नहीं दे पाए तो उस केस के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट यू नो इम्पोज्ड हाई टैक्सेस ऑन देम. तो उस चीज़ को फाइट करने के लिए पीसेंट के साथ मिलके महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को किया. आगे देखिए सिक्स पॉइंट. द पीसेंट्स ऑफ खेदा फाइल्ड अ पिटीशन अगेंस्ट रिमूविंग द टैक्स ड्यू टू ड्रॉट. हुआ क्या कि उसी समय सूखा पड़ा, ठीक है, 1918 के दौरान, और पीसेंट्स इतने हाई टैक्स को अफोर्ड ना करने के कारण उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये टैक्स रिमूव कर देना चाहिए. बट इन सेवेंथ पॉइंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर्न द पीसेंट्स. पीसेंट्स को उन्होंने चेतावनी दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टू स्टॉप द मूवमेंट एंड सेड इफ दे डिडंट स्टॉप द लैंड ऑफ द पीसेंट्स वुड बी कॉन्फिस्केटेड एंड वुड नेवर बी रिटर्न्ड. एक धमकी थी कि अगर आप इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, अगर आप इसको वापस नहीं लेंगे जो पिटीशन फाइल किया है, क्योंकि हम इस चार्टर को पास तो होने देंगे नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, तो इससे बेटर ये है कि आप इस चीज़ को माने और जो है वैसा ही रहने दें, ठीक है. और अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, हाई टैक्सेस पे नहीं करते हैं हमारे द्वारा जो लगाए गए हैं, उस केस के अंदर आप की जो ज़मीनें हैं वो जब्त कर ली जाएंगी, ठीक है. द लैंड्स ऑफ द फार्मर वुड बी कॉन्फिस्केटेड एंड वुड नेवर बी रिटर्न. उन्हें वापस कभी नहीं किया जाएगा, ठीक है. तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की सीधी धमकी थी किसको, फार्मर्स को, पीसेंट्स को, ठीक है. आगे देखें एट्थ पॉइंट. एट दैट टाइम गुजरात सभा वॉज ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट. गुजरात सभा वो सभा थी जो कि खेदा सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रही थी, ठीक है. तो जो पीसेंट्स थे उन्होंने हार नहीं मानी. एटलीस्ट बहुत सारे पीसेंट्स जो थे, द लैंड्स ऑफ द फार्मर्स वर कॉन्फिस्केटेड, ठीक है, जो लैंड्स थी वो जब्त कर ली गई बाय पुलिस एंड मैनी वर लॉक्ड अप इन जेल, ठीक है. बहुत जो पीसेंट्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, बट नन ऑफ द फार्मर्स स्टॉप्ड प्रोटेस्टिंग. उन्होंने प्रोटेस्ट को जारी रखा, किसी ने स्टॉप नहीं किया, और नॉन वायलेंट तरीके से, ठीक है. और जो गुजरात सभा थी उसमें अपना मॉनिटरी रूप से भी कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने पैसा दिया उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मूवमेंट को. टेंथ पॉइंट इज फाइनली गवर्नमेंट केम टू अ कंक्लूजन एंड डिसाइडेड टू रिमूव द टैक्स एंड कट द रेट्स एंड टू रिटर्न ऑल द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज. इसका जो
जब देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जो सत्याग्रह है दैट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म एंड मेनी फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग टू रिमूव द टैक्स, तो उस केस के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लास्ट में हार मानी और उन्होंने कहा कि फाइनली ये डिसाइड किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि उनके द्वारा जो टैक्स इम्पोज किया जाता है नेक्स्ट ईयर से ठीक हटा दिया जाएगा और इस ईयर का टैक्स रहेगा उसे क्वेश्चन में रखा और कट द रेट्स जो टैक्सेस के रेट्स हैं उन्हें कट किया गया एंड टू रिटर्न ऑल द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टीज विच वर कॉन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ड्यूरिंग दिस खेदा सत्याग्रह यू नो वुड बी रिटर्न्ड. उन्होंने कहा कि वो सब जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब रिटर्न कर दी जाएंगी उनके ट्रू ओनर्स को. सो प्लीज टू लर्न मोर एंड टू यू नो to watch these particular videos, subscribe the channel and give your very support.